हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो सदिश का चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था, सदिशों के प्रकार उसकी परिभाषाएं देखी थी और अलग अलग प्रकार के सदिश जो थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर और जो भी वेक्टर थे उसको हमने डिटेल्स किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो कोई सदिश है, उन सदिशों को हम कोई नंबर जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं गुणा कर दें, तब मल्टीपल एक्सचेंज कर दे, तब व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी हैपन, तब क्या होगा। तो उसी के टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और सदिशों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, तब दो सदिश सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल राज कोचिंग क्लासेस। ठीक है, क्लास 11 फिजिक्स फैक्टर टॉपिक। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर क्या लिखा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वैक्टर बाय रियल नंबर। ठीक है, सदिशों का वास्तविक संख्या से गुणा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर जानते होंगे आप, होल नंबर जानते होंगे, इंटीजर जानते होंगे, 1 2 3 4 5 है, जीरो कर दिए तो होल नंबर होता है। तो ऐसा ही हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए कि कोई सदिश हो, जब उसको हम किसी वास्तविक संख्या से गुणा कर देंगे तब क्या होगा, किस प्रकार, कितने गुणा होगी, कितने टाइम्स होगी, कितने डिवाइड होगी, ऐसा करके हम देखें। यदि किसी सदिश, माना कोई सदिश ए है, माना कि कोई सदिश ए है, ओके, सदिश बोले तो ऊपर वेक्टर, माना कि सदिश ए को एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर हम क्या मान लेते हैं, समझ लीजिए लैम्डा, से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। मान लो कोई एक सदिश हो, ए बी सी जो भी हो, उसको हम एक वास्तविक संख्या लेमडा से गुणा कर देते हैं, तो हमको जो मिलेगा सदिश, जब गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट, परिणाम, तो ऐसा सदिश प्राप्त होगा जिसका परिमाण, ध्यान रखिएगा, जब हम एक सदिश ए को एक वास्तविक संख्या लेमडा से गुणा करते हैं तो हमको जो सदिश मिलेगा उसका परिमाण सदिश ए के परिमाण का लेमडा गुणा होगा। देखिए थ्योरी है, थोड़ा इतना तो लिखा नहीं सकते हम, ध्यान कि सदिश ए का परिमाण वास्तविक संख्या जो लिखे थे लेमडा के परिमाण का लेमडा गुणा होगा। ठीक है, क्लियर। इफ फैक्टर ए, मान लो कोई सदिश ए है, इफ फैक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर लेमडा, देन रिजल्टेंट क्या होगा, मान लो कोई सदिश ए है उसको वास्तविक संख्या लेमडा से गुणा कर दिया है तो उनका परिणाम ही, ठीक है, देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा ए, उसका रिजल्टेंट कितना होगा, इसको लिखेंगे लेमडा ए। ये क्या रियल नंबर है वेक्टर, ठीक है, लेमडा एंड इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर, एंड इट इज डिफाइंड, और उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, एंड इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर whose magnitude is lambda times the magnitude of vector A, clear, and the direction is same as direction that of A, और उसकी दिशा क्या होगी, सदिश के परिमाण की दिशा में होगी। If lambda is the positive or, ठीक है, मान लो कोई वास्तविक संख्या जो धनात्मक हो, if lambda is positive और इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए, लेमडा कोई पॉजिटिव होगा और उसके ए के, सदिश ए के क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, इफ ए इज द डायरेक्शन ऑफ सेम, क्या लिखे थे हम, भुला गए, हमने कोई एक वास्तविक संख्या लिया लेमडा, उसको कदि सदिश ए से गुणा कर दिए तो उसका परिमाण सदिश ए के परिमाण का लेमडा ही गुणा होगा जी, क्लियर होगा ना। इफ A is the direction is same as that of A, if lambda is the positive or is opposite to that of A or lambda is negative, ठीक है, तब क्या, उदाहरण के लिए यदि हम किसी सदिश को, मान लो कोई सदिश है A है, उसको हम 5 से गुणा कर दें, 5 क्या है एक वास्तविक संख्या है, मान लो कोई सदिश A है उसको हम 5 से गुणा कर दें तो हमको परिणामी सदिश कितना होगा, 5 ही होगा ना। मान लो वेक्टर है, कोई सदिश A है, ए है, उसको हम एक वास्तविक संख्या 5 से गुणा कर दिया तो परिणामी कितना होगा,
फाइव पे हो गया ना, क्लियर है ये तो, क्लियर। एक को पाँच से गुणा कर दे, परिणामी संधि पाँच ही होगा, जिसका परिमाण ए के परिमाण का ए का पाँच गुना और दिशा नहीं होगी, ठीक है, कि वही होगी, दिशा वही होगी जो कि ए की है। माने जो परिमाण जो निकलेगा पाँच है उसकी दिशा ए की दिशा, माने ए की दिशा जो होगी ना वही जो पाँच से गुणा करेंगे उसी दिशा होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द वैक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाई फाइव, देन फाइव ए इज सच ए वैक्टर वोज मैग्नीट्यूड इज फाइव ए, वोज मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा फाइव ए, ठीक है, पाँच से गुणा पड़े मैग्नीट्यूड कितना होगा फाइव ए, एंड विच एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ए, अब ए की दिशा में ही काम करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि मान लो कोई सदिश को हम किस सदिश से गुणा करते हैं तो उसका परिमाण उस सदिश के परिमाण सदिश का पाँच गुना हो जाएगा, उसकी दिशा जो कि सदिश ए की दिशा में होगी जो इसका हम परिमाण परिणामी निकाले हैं, ठीक है। तो माने हम लेमडा एक सदिश राशि हो, तो लेमडा एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक परिमाण का लेमडा गुणा और दिशा ए की दिशा में होती है। इफ लेमडा इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेमडा तो अदिश, इफ लेमडा इज ए स्केलर क्वांटिटी देन लेमडा ए इज ए वैक्टर, ठीक है। मान लो लेमडा क्या होगा स्केलर, इफ लेमडा इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, देन लेमडा इज ए वैक्टर, लेमडा ए ये क्या होगा इस वेक्टर हो जाएगा, अदिश का सदिश से गुणा कर दें तो सदिश मिलता है वेक्टर, वोज मैग्नीट्यूड इज लेमडा टाइम्स ऑफ लेम ए, वोज मैग्नीट्यूड इज लेमडा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड द डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ए, और उसकी दिशाएं क्या हो जाएगी उसकी दिशा के क्या होगी सेम होगी। परंतु जो लेमडा ए का जो मात्रक है, ठीक है, एक बार फिर समझाते हैं, तो लेमडा ए कहाँ गया, लेमडा ए का मात्रक हो जाएगा ए के मात्रक से अलग होता है, बट द यूनिट ऑफ लेमडा इज द डिफरेंस देन द यूनिट ऑफ ए। मान लो यदि अदिश का, मान लो कोई अदिश है जिसको द्रव्यमान एम है, उदाहरण के लिए यदि अदिश एम द्रव्यमान का गुणा सदिश वी से करें हम, ठीक है, किसे करें सदिश, मान लो कोई अदिश है जिसका मास एम लेते हैं उसका हम सदिश वी से गुणा करते हैं तो एम वी का मात्रक वी के मात्रक से अलग होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, मान लो कोई अदिश राशि है या जैसे हम द्रव्यमान, द्रव्यमान तो अदिश राशि है, एक वेग जो कि एक सदिश राशि से गुणा करते हैं तो एम वी का मात्रक जो होगा वी के मात्रक से अलग होगा। कैसे अलग होगा, क्योंकि मात्रक तो अलग होगा नहीं, क्योंकि देखिए वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, उसमें हम मास भी जोड़ लेते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया और उसका वेग मीटर बटे सेकेंड है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी सदिश का वास्तविक संख्या से गुणा होने पर क्या होता है, मात्रक अलग हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिशाएं एक होगी मात्रक अलग हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी इज मल्टीप्लाई, इफ़ वी इज मल्टीप्लाइड बाई मास एम, देन एम वी हैज़ द डायरेक्शन ऑफ वी एंड बट द यूनिट विल बी क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड विच इज डिफरेंस फ्रॉम द यूनिट ऑफ वी इज मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ये हमने देखा सदिशों का क्या किए, वास्तविक संख्याओं से गुणा कर ली। अब देखेंगे अगला टॉपिक जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वैक्टर, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाना ठीक रहेगा लेकिन अभी नहीं मिटाते कि हमने टॉपिक को देखा। क्या लिखेंगे, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा, अगर इसको आपने समझ लिया तो पूरा सदिश भी समझ लिया, ठीक है, सदिशों का योग, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा टॉपिक टॉपिक को बताएंगे, ओके, सदिशों का योग, ठीक, उसमें हम देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर,
परिणामी शदीक रिजल्ट परिणाम, आप बुरा कर्म करोगे उसका परिणाम बुरा होगा, अच्छा कर्म करोगे जोड़ोगे तो योग मिलेगा, घटाओगे तो टेक्शन ले। डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन आप क्या लिखोगे किसका, परिणामी सदिश का, बताइए इधर परिणामी सदिश, दो या दो सदिश सदिशों के परिणामी एक अकेला सदिश होता है, क्या लिखोगे, दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी, क्या लिखोगे, दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी एक अकेला क्या होता है, सदिश होता है जिसका प्रभाव वही होता है जो सभी सदिशों का संयुक्त प्रभाव होता है। क्लियर हुआ, क्या लिखोगे, दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी, दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी एक अकेला सदिश होता है जिसका प्रभाव वही होता है जो कि सभी सदिशों का कंबाइंड या संयुक्त प्रभाव होता है। द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन टू वैक्टर्स इज अ सिंगल वैक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल वैक्टर टुगेदर। ठीक है, क्लियर हुआ, सदिशों का योग जो है कुछ पॉइंट, कुछ नियम, कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु के अंतर्गत होता है। डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या, कि दो या दो सी सदिशों के परिणामी सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका प्रभाव वही होता है, जिसका जो प्रभाव वही होता है जो सभी सदिशों का क्या होता है, संयुक्त प्रभाव होगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन टू वैक्टर इज ए सिंगल वैक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज ए प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल फैक्टर्स टूगेदर। तो जो हम सदिशों का योग देख रहे थे वो कुछ पॉइंट, कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम देखेंगे, क्या लिखेंगे, कुछ पॉइंट या कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम देखेंगे। नंबर वन क्या देखोगे, सदिशों का योग से प्राप्त भौतिक राशि भी सदिश होता है, तो सदिशों के योग से जो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि मिलेगी वो भी एक सदिश होगा। ठीक है, क्या लिखो, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ टेन, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ टेन ऑन एडिंग वैक्टर्स इज ऑल्सो ए वैक्टर। ठीक है, नंबर दो, समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों का योग ही संभव है, समान भौतिक राशियों वाले। ठीक है, क्या लिखे, द वैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटीज ओनली कैन बी एडेड, उन्हीं भौतिक राशियों को हम जोड़ सकते हैं जिनकी, उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं जिनका समान भौतिक राशि, उन्हीं सदिशों को जोड़ सकते हैं जिनकी भौतिक राशियाँ क्या हो, समान हो। द वैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी ओनली कैन बी एडेड, क्लियर, जिनकी भौतिक राशि समान हो उन्हीं सदिशों को जोड़ सकते हैं। नंबर थर्ड क्या होगा, कि सदिश को समांतर, क्या लिखोगे, किसी सदिश को उसके समांतर समान परिमाण के स्थान पर विस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, क्या लिखो, कि सदिश को उसके समांतर समान परिमाण के हैं उच्च स्थान पर स्थापित किया जाता है, दूसरे स्थान पर। ए वेक्टर द सेम मैग्नीट्यूड कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू अदर प्लेस। ठीक है, कि सदिश को उसके समांतर समान परिमाण के अन्य स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। ए वेक्टर विद द सेम मैग्नीट्यूड कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू अदर प्लेसेस। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जो है अदिश का योग बीजगणितीय नियमों के द्वारा किया जाता है, क्या लिखा मैं, अदिशों का योग जो होता है बीजगणितीय नियमों के अनुसार किया जाता है, किंतु सदिशों का योग बीजगणितीय नियम के द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्लियर, कोई डाउट, सदिशों का, अदिशों का योग बीजगणितीय नियम के द्वारा किया जा सकता है किंतु सदिशों का योग बीजगणितीय नियमों के साथ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सदिशों में परिमाण और दिशा होती है। अदिशों का योग जो अदिश होता है स्केलर होता है उसको हम क्या करते हैं, एडिंग कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, पर सदिश को हम बीजगणितीय नियम के साथ जोड़ घटा नहीं करते, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे इन
ठीक है, स्केलर्स कैन बी एडेड, स्केलर कैन बी एडेड एल्जेब्रिक, ठीक, बट द वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड यूजिंग लॉ ऑफ एल्जेब्रा बिकॉज वेक्टर्स प्रोसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हेंस दे आर एडेड ज्योमेट्रिकली। उसको हम ज्यामिति विधि से जोड़ सकते हैं, सामान्य विधि से हम नहीं जोड़ सकते। अदिशों को जोड़ सकते हैं क्योंकि सदिशों को हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि उनमें परिमाण और दिशा होते हैं, तो उसको हम ज्यामिट्रिकल विधि से, ठीक है। बीजगणितीय नियमों के अनुसार हम इसे नहीं जोड़ सकते, लेकिन ज्यामिति विधि से हम इसको जोड़ सकते हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओके, बीजगणितीय नियमों के अनुसार हम इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, क्लियर। तो हमारी वीडियो 15 मिनट की हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी 10 मिनट की और बनेगी, तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए और इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके और दोस्त भी हैं उनको काम आ जाए। ओके, तो सदिशों को हम देखें और अदिशों का देखें, एडिशन सबट्रैक्शन देखें, कि अदिशों को तो हम जोड़ सकते हैं बीजगणितीय नियम से, सदिशों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। अब इसमें हम कुछ केसेस देखेंगे, कुछ स्थितियां देखेंगे, ठीक है, कुछ केसेस कुछ स्थितियां को देखेंगे। पहला स्थिति हमारा क्या है बताइए, जब दो सदिश एक ही दिशा में कार्य कर रही हो, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। नंबर वन इसको मिटा देते हैं, when two vectors acting along the same direction, क्या लिखोगे, when two vectors, when two vectors acting along the same direction, ठीक है। मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम हम क्या देते हैं, बी देखते हैं, क्लियर। मान लो दो सदिश एक ही दिशा में कार्य करती हो, ठीक है, तब उसका हम कैसे लिखेंगे, देखो ये बता, क्लियर। जब दो सदिश एक ही दिशा में कार्य करता है, तब उसका परिणामी सदिश को हम किससे व्यक्त करते हैं, आर से, यह हो गया आर, क्लियर, वेक्टर लगा, पैन टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। माना ए और बी दो एक ही दिशा में, मान लो कि दो सदिश ए और बी है जो कि एक ही दिशा में क्या कर रही है, कार्य कर रही है, एक दिशा में चल रही है, जिनका हमको क्या करना है, एडिशंस करना, योग करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं आप, एक सदिश ए है एक सदिश बी है, क्लियर, एक सदिश ए है और दूसरा सदिश क्या है, बी है। इसको ए भी लिख सकते हैं अपन, इसको ए भी लिख सकते हैं, इसको हम बी भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी हम सदिश ए और सदिश बी आसानी से कर सकते हैं, क्लियर। तो मान लो दो सदिश ए और बी एक दिशा में कार्य कर रही है, इसके लिए सदिश बी को स्वयं के समांतर, इसके लिए हमको क्या करना है कि दूसरा सदिश बी है उसको हम क्या कहते हैं, स्वयं के पैरेलल इतना चलाते हैं कि सदिश बी का जो पुच्छ होता है, ये सदिश बी इसका जो पुच्छ होता है, हम क्या बोले, इसके लिए सदिश बी को सदिश बी को हम स्वयं के समांतर इतना चलाते हैं कि जो टेल एरिया है, सदिश बी का टेल है सदिश ए के शीर्ष के संपाती कॉइंसाइड होता है। दूसरे सदिश बी को हम इतना चलाते हैं कि ये सदिश बी का जो टेल एरिया है सदिश ए के पुछ के हेड के कॉइंसाइड हो जाए, है ना। सदिश बी को सदिश के समांतर इतना चलाते हैं कि इसका जो है ना पुछ हो, सदिश बी का जो पुछ हो सदिश ए के शीर्ष के समांती हो जाए, संपाती हो जाए, तब सदिश ए के पुच्छ और शीर्ष सदिश बी के शीर्ष को मिलाने वाला, तब सदिश ए के पुच्छ है ना, सदिश ए के पुच्छ और सदिश बी के शीर्ष को मिलाने वाला जो होता है ना,
क्लियर। इसके सदिश बी को स्वयं के समातेजय चलाते हैं। सदिश बी का पुच्छ सदिश ए के शीर्ष के समपाती जाता है। सदिश ए का पुच्छ और सदिश बी के शीर्ष को मिलाने वाला सदिश आर दोनों सदिश का परिणामी हो जाएगा। ठीक है, ये हेड है, ये टेल है, इसका हेड है, इसका टेल। तो सदिश ए का जो है पुच्छ सदिश ए के बी के शीर्ष के क्या हो जाता है, संपाती जाता है। जब इन दोनों को मिलाने वाली जी रेखा होगी इसका क्या कहलाएगा, इसका परिणामी हो जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे, सदिश ए प्लस सदिश बी इक्वल टू आर। ठीक है, क्या बोला मैं, मान लो दो सदिश है तो कि दूसरे समांतर है एक दिशा में कार्यरत है, तो सदिश बी को सदिश ए के समांतर इतना चलाते हैं कि सदिश बी का जो पुच्छ सदिश ए के शीर्ष के संपाती हो जाए। अब सदिश ए का पुच्छ और सदिश बी का शीर्ष है ना, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी सदिश का क्या होगी, परिणामी होगी। क्लियर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, आर इक्वल टू ए प्लस बी या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू डॉफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर ए एंड बी। क्लियर हुआ, लेट ए एंड बी बी द टू वैक्टर्स एक्टिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, लेट ए एंड बी टू वैक्टर्स एक्टिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन टू फाइंड द रिजल्टेंट ए इज डॉन एंड देन फ्रॉम द हेड ऑफ ए इज वैक्टर डॉन विच इज सेम ऑफ वैक्टर बी। ए अभी कुछ भी चेंज कर सकते लिख सकते हो आप, है ना। ठीक है, ए को बी के समांतर या बी को ए के समांतर चलाते हैं, तब दोनों का एक का शीर्ष और दूसरे का पूछ है, ये क्या होगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर आर के बराबर हो जाएगा। ए वेक्टर इज डॉन विच इज सेम एज बी, नाउ दिस वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन था ना, एक्टिंग इन द अब अपोजिट डायरेक्शन, एक्टिंग इन द यहां लिखते हैं अपोजिट डायरेक्शन। जब दो सदिश क्या हो, भिन्न दिशा में हो। ठीक है, लिख लीजिए अगला हेडिंग, जब दो सदिश विपरीत दिशा में कार्यरत हो। क्या लिखोगे, जब दो सदिश विपरीत दिशा में कार्यरत हो, क्लियर, ये दो सदिश हैं ए और बी और ए जो कि विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसा कर सकते हो, क्लियर ना, माइनस हो जाएगा। क्या लिखोगे, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेट ए बी, माना कि दो सदिश हैं ए और बी जो विपरीत दिशा में कार्यरत है, एक सदिश ऐसा है तो एक सदिश वैसा है। माना कि दो सदिश ए और बी जो कि विपरीत दिशा में कार्यरत है, तब इनका योग या परिणामी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू फाइंड देयर रिजल्टेंट, तब इनका सदिश तब इनका हमको परिणामी ज्ञात करने के लिए टू फाइंड देयर रिजल्टेंट ए इज डॉन एंड फ्रॉम द हेड ऑफ ए वेक्टर इक्विवेलेंट टू बी। क्लियर, क्लियर, ठीक है। इसके लिए सदिश बी को स्वयं के सदिश ए के समांतर इतना खिसकाते हैं, हम क्या करते हैं, कली, हाँ, हम मान लीजिए दो सदिश ए और बी हैं, दोनों क्या है एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो इसका हमको परिणामी ज्ञात करने के लिए सदिश बी को स्वयं के समांतर इतना खिसकाते हैं कि बी का पुच्छ ए के शीर्ष के, बी का जो पुच्छ हो ए के शीर्ष के समांतर, मतलब बी का पुच्छ ए के शीर्ष के समांतर या ए का पुच्छ बी के शीर्ष के समांतर हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने वाला, इन दोनों एक का हेड और दूसरे का टेल, मैंने इन दोनों को मिलाने वाला, तब ए के पुच्छ और बी के शीर्ष, क्या लिखे, तब ए के पुच्छ और बी के शीर्ष को मिलाने वाला सदिश
आर दोनों सदिशों का क्या होगा, योग अथवा परिणामी होगा। क्लियर, लिखोगे लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू फाइंड देयर रिजल्टेंट ए इज डाउन एंड बी एंड देयर फ्रॉम द हेड ऑफ ए वेक्टर इक्वलेंट टू बी। ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल ए प्लस बी इक्वल टू आर, यदि आर का परिमाण ए और बी के परिमाणों के अंतर के बराबर होगा, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं आर इक्वल टू बी, तो आर का परिमाण ए के परिमाणों के अंतर के बराबर होगा। लिख सकते हैं सर, क्लियर होगा। कोई डाउट? तब ए के पुक्ष और बी के शीर्ष को मिलाने वाला सदिशार दोनों सदिशों का योग या फिर परिणामी होगा। तो आर का परिमाण ए और बी के परिमाणों के अंतर के बराबर हो जाएगा यदि ए इज ग्रेटर देन बी। स्थिति तीन, यदि दो या दो से अधिक सदिश किसी कोण पर कार्य करते हों, तब मान लो स्थिति तीसरा है इसमें, मान लो कि दो सदिश हैं, मान लो कि दो सदिश है किसी एंगल पर वर्क कर रहे हैं, तब उनका हमको परिणामी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लो कि दो सदिश हैं, दो सदिश किसी एंगल पर कार्य कर रहे हैं, तो इसको हम किस नियम से, तीन नियमों के से ये सिद्ध कर सकते। पहला देखते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। मान लो कोई दो सदिश हैं, ये एक दूसरे से थीटा कोण बना रहे हैं, तो इनके लिए तीन नियम है। पहला, सदिशों का के योग का त्रिभुज नियम। है ना, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। वेक्टर एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जब दो सदिश हमको किसी कोण पर कार्य कर रहे हैं, किसी कोण पर झुके हों, तब उनको हमको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहला वेक्टर डिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल ला, दूसरा वेक्टर डिस्टेंस ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरा है हमारा सदिशों के योग का बहुभुज नियम, बहुभुज नियम। इसको हम बोलते हैं पॉलीगोन लॉ, वेक्टर एडिशन ऑफ पॉलीगोन लॉ। ठीक है, इस प्रकार जब दो या दो से अधिक सदिश या दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए हैं, तब उसका परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए हमको तीन नियम हैं जनरली। पहला है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। दूसरा है सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज के योग का, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम। तीसरा है सदिशों के योग का बहुभुज नियम, वेक्टर एडिशन ऑफ पॉलीगोन लॉ। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो तो थोड़ी लंबी हो गई है, तो अगले वीडियो में ये सब हम देखेंगे कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, और तीसरा हो जाए सदिशों के योग का बहुभुज का नियम। ठीक है, और फिर सदिशों के हम गुण पढ़ेंगे। ठीक है, सदिशों के गुण में हम देखेंगे
कि सदिशों के योग कर्म नियम का पालन करता है या नहीं, सहचर नियम का पालन करता है कि नहीं, फिर हम सदिशों का सब्ट्रैक्शन देखेंगे और फिर जीरो वेक्टर को देखेंगे और फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी एवं टू डायमेंशन को भी देखेंगे, फिर हम रिजॉल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन एकतली सदिशों का वियोजन देखेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखेंगे और फिर रेक्टेंगुलर रिजॉल्यूशन ऑफ थ्री डायमेंशन देखेंगे। इस प्रकार हम देखें चलते चलेंगे। तो आज की हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, मात्र 30 मिनट्स आधा घंटे की वीडियो ही है। पिछली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, कम से 50-55 मिनट का, लेकिन आपको बोर नहीं होना है। जिस प्रकार आप एक पिक्चर एक मूवी को बिना कुछ स्किप किए और बिना पॉज किए देखते हैं, तो पॉज आप इसको कर सकते हैं, स्किप मत करिए। जहाँ भी आपको समझ नहीं आए उसको 2-3 बार वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, हो सकता है आपके दोस्त समझ जाएं, आप ना समझ पाए तो इस प्रकार ग्रुप में देखिए और कागज़ कलम लेकर ज़रूर बैठिए, है ना। आप वीडियो को अकेला ऐसे एंजॉय के तौर पर मत देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हम इसमें एक एक वर्ड को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं इसलिए खींच रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत हो। देखिए एक एक वीडियो को अपलोड करने में एक एक वीडियो जो होता है कभी कभी 2 GB से ऊपर बनता है, 4-5 GB में अपलोड करने में भी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम ये सब प्रॉब्लम के कारण कभी 12 घंटे लग जाते हैं, कभी 2 दिन लग जाते हैं। इस प्रकार तो बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है जो कि आप लोगों के लिए है, आप लोगों के फ्यूचर के लिए है, आप लोगों के नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो कमेंट करिए वीडियो को कैसी लगी, अच्छी लगी या भी कोई भी समझ में ना आया उसको कमेंट पूछ सकते हैं और मेरा नंबर तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो मैंने टॉपिक बताया है, ठीक है, वे एडिशंस जो होते हैं ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन्स ला, तो इसके लिए प्रिपेयर ये थोड़ा पढ़ के आइए। तो जब पढ़ के आते हैं तो आपको जो भाषाएँ जो है लैंग्वेज जो है आसानी से समझ में आता है, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।